है हिम्मत, डरा लोगे, करोगे कुछ, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। अरे जब बोलते हो ना तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं। भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। आप सब में से बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आपको व्हाट्सएप पे मेरे लिए भी मैसेज आया होगा। जानते हैं हमको क्या बोलते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग। जब ये बोलते हैं तो खुद ये नहीं सोचते हैं कि ये अपने ही गृह मंत्री को निकम्मा बोल रहे हैं। बोलिए किसकी सरकार है देश में? भाजपा की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। क्या जी पुलिस वाले भैया सब ठीक है ना? है हिम्मत, है हिम्मत, करोगे कुछ, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हारे इलेक्शन डिपार्टमेंट से नहीं डरते हैं। मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए खड़ा होकर के पब्लिकली पूरी की पूरी भाजपा के झूठों की जमात को चैलेंज करते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो चौराहे पे खड़ा करके तुम मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तमाम धन दौलत और गोला बारूद के बावजूद इस देश में तुम सत्य की आवाज को नहीं झुका सकते हो। हम कसम खाते हैं, महाराष्ट्र का इस महान भूमि पे कसम खाते हैं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजीव गांधी को याद करते हुए यह संकल्प लेता है कि इस देश में सद्भावना को हम बचा करके रखेंगे, तुम्हारी पूरी ताकत को परास्त करेंगे। इस बात को याद रखना है हिम्मत, डरा लोगे, याद रखना। जिस इंसान के पास विचार की ताकत होती है, जिस दल के पास विचार का इतिहास होता है, उस दल को तुम झुका नहीं सकते हो। जानते हैं मोदी जी सुबह सुबह 15 अगस्त को उठ करके तैयार हो करके बढ़िया सूट वूट पहन करके बाल वाल सेट करा लिए थे। बुढ़ापे में भी जो है बाल का बहुत ध्यान रखते हैं। और वहां गए और जाते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये क्यों बार बार परिवारवाद बोल करके कांग्रेस पे हमला करते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इनको मालूम है कि ये जिस व्यक्ति को अपना दुश्मन चुन लिए हैं ना, पहली बात तो ये वो व्यक्ति इनको अपना दुश्मन मानता ही नहीं है क्योंकि ये आदमी ही उस लेवल के नहीं है। सच बात बता रहे हैं आपको। और दूसरा, इन्होंने सब कुछ कर लिया, खरीदने की कोशिश कर ली, डराने की कोशिश कर ली, सब कुछ करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं, भाई ये इंदिरा गांधी का पोता है, मर जाएगा, झुकेगा नहीं। जिस परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए 2-2 प्रधानमंत्री की जान गंवाई हो, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हो। अरे जब बोलते हो ना तो शर्म से तुम्हारा जुबान कट जाना चाहिए अपने आप। अगर शर्म होती ना तो यह बोलने की हिम्मत नहीं करते। नेहरू के बारे में व्हाट्सएप मैसेज फैलाते हो कि नेहरू ने इस देश को बर्बाद कर दिया। अगर नेहरू नहीं होते ना, एक इंसान को एक इंसान के वोट का अधिकार नहीं मिला होता ना, तो आपको लगता है मोदी जिस गर्व से कहते हैं कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाता? संभव था ये? अगर कांग्रेस 70 साल तक इस देश की जमहूरियत को बचा करके नहीं रखती तो जय शाह का बाप तरीपार होने के बाद देश का गृहमंत्री बन पाता? खेला कर रहे हो। यह सच्चाई आज न कल इंसान के सामने आएगी क्योंकि सच और झूठ में एक फर्क होता है।